बोलो केसरिया लाल की जय। इतनी बारिश हो गई है कि रोड पे भी मस्त फुल पानी जा रहा है और पीछे भी ये भर गए हैं सारे क्वार्टर्स। फुल फैमिली ट्रिप जा रहे हैं इसलिए फुल लगेज है, फिर कुछ भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए ना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं रेडी हो गई हूँ और आज हमको निकलना है, पर पूरी तैयारी तो हुई नहीं है अभी तक। पैकिंग सब आधी अधूरी चल रही है, सारा यहाँ पर बिखरा बड़ा है। स्किन केयर वगैरह सब निकाल के रखा है, पर इसको पैक करना है। बैग आधा अधूरा पैक है क्योंकि चिकू की पैकिंग नहीं हुई है। मैंने मेरे कपड़े ले लिए सारे, और ये वाला बैग हमने रख लिया है सारा। हमारा जो भी डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए, तो ये यहाँ पर सारी बैटरीज और सब चार्ज हो रहे हैं। और ये भी साथ में ले जाना एक्सटेंशन, क्योंकि पावर बैंक्स और बैटरीज़ के लिए साथ में चाहिए गए, क्योंकि इतने एकदम से स्विचेस मिलेंगे नहीं। एक स्विच होगा तो अपना काम वैसे ही हो जाने वाला है। और ये यहाँ पर नव भाई साहब क्या लेके आए हो? नव लेज, कैसी एक्साइटमेंट है आपको जाने की? दिख नहीं रही एक्साइटमेंट है। कहाँ एक्साइटमेंट है? कहाँ पे एक्साइटमेंट? तो यहाँ पर एक तरफ बन रहा है खाना। खाना एक बार बन जाए फिर हमको भी पता चलेगा कि सारा काम कैसे करना है, क्योंकि खाना रहेगा तो खाना बाकी है ये सब चीज़ें रहेगी। तो यहाँ पर मम्मी दाल फ्राई कर रहे हैं मसूर की, और मैं आटा लगा देती हूँ, चावल भिगा देती हूँ, ये काम कर लेती हूँ। मम्मी दाल बना रहे, और कपड़े भी जो बाहर जो सूख गए थे वो भी समेट आ गए सारे, और ये भी वॉश करके कल रखे थे तो सूख गए हैं, क्योंकि दो बार ड्राई किए तब सूखे। जाके अच्छे से ड्राई कंप्लीट कर दिए थे, तो रात को तो पंखा चालू नहीं रहा, पर हो गए ड्राई। तो भी कमरे में देखो आप, बिखेरा कितना है, बिखेरा है सारा। और चिकू यार, अभी चिकू बोल के गए मुझे 1 घंटे में वापस आ रहा हूँ, फिर सारी पैकिंग मेरी करनी है, क्योंकि अभी शॉप पे गए। शॉप पे सारा जो भी काम है वो निपट लेंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। इतने हम भी खाना बना देते हैं। स्किन केयर की और इनकी जो भी पैकिंग थी वो तो मैं अभी बैठे बैठे कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी जब तक दाल फ्राई कर रहे हैं तब तक मेरा ये काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मेरा बैग है वो रेडी कर दिया है। यहाँ पर चिकू के दो क्विंच का फेस वॉश, क्विंच का फेस क्रीम, और मेरा ये क्लियर बैलेंस का फेस वॉश, टोनर और डार्क स्पॉट रिमूवर। ये बॉडी वॉश ले लिया है मैंने मेरा, ये इंटीमेट वॉश भी ले लिया है, शैम्पू भी ले लिए हैं ऑर्गेनिक, बेला विटा ऑर्गेनिक के जो चिकू यूज़ करते हैं, हालांकि मैं तो नहीं करूँगी वॉश, ऐसा सोच रही हूँ। यहाँ पे दोनों के ब्रशेस भी ले लिए हैं मैंने, और ये हैंड क्रीम, ईयर स्टिक्स, कॉम भी रख दिया है। हाँ, चिकू का कॉम भी याद आ गया, मेरा ही कॉम मैंने रखा हुआ है, चिकू का कॉम भी रख देती हूँ। तो मेरा काम तो कंप्लीट हो गया, इधर ये वाला तो हो गया है कंप्लीट। और फिर मेरे मेकअप की जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें वो लेनी है तो वो शॉप पर जाके ही लूँगी, क्योंकि मैं घर पर कुछ भी रखती नहीं हूँ ना। रोटियां मैंने बना दी है, और अभी मैं और मम्मी दोनों खाना खाने यहाँ पर बैठे। चिकू और पापा का तो हो गया है खाना, चिकू पैकिंग करने के लिए अभी घर पे आ गए, तो चिकू इनकी पैकिंग कर ले। जो मैंने मेरी पैकिंग करनी थी वो कर दी, सिर्फ उनके कपड़ों की पैकिंग बाकी है, और जो भी इक्विपमेंट चार्ज पे लगाए थे वो सारे लेने, और जो ज़रूरत की चीज़ें वो भी साथ में ले रहे हैं। पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है, चिकू भी उनकी पैकिंग करके शॉप पे चले गए हैं। बस फाइनल पैकिंग थोड़ी सी बाकी है वो कर देती हूँ, और मेरे हेयर भी स्ट्रेट करवाने हैं, तो एक बार शॉप पे जाके हेयर स्ट्रेट करवा के आ जाती हूँ, ताकि हेयर जो है वो मैनेजेबल रहे, ज़्यादा बिखरे नहीं और सही रहे इस मौसम में। बाकी धोने का तो सवाल ही नहीं बनता, सूखते नहीं है तो फिर चिपचिप हो जाते हैं बाल पूरे। बालों में हेयर स्ट्रेटनिंग हो गई है, बालों में हेयर स्ट्रेटनिंग करके मैं जैसे ही निकल रही थी उधर से पानी गिर रही थी, स्लिप हो जाती है। स्ट्रेटनिंग करके जैसे निकल रही थी वैसे फुल बारिश चालू हो गई, तो मेरे को आधा घंटा बैठना पड़ा है। तो बारिश अभी भी चालू ही है। चिकू वहाँ से निकल चुके हैं मुझे लेने के लिए, और यहाँ पर पानी भरा हुआ है इसलिए डर लग रहा है। थोड़ा प्रॉपरली स्ट्रेट तो हो गए, पर थोड़ा और घुमा दूँ सोच रही हूँ। इतनी बारिश हो गई है कि रोड पे भी मस्त फुल पानी जा रहा है, और पीछे भी ये भर गए हैं सारे क्वार्टर्स, और ऊपर से भी यहाँ से पानी निकल रहा है। बारिश तो हो गई है कितनी देर में। मम्मी की पैकिंग हो रही है अभी, कितना भी करो यार एंड टाइम पे तक भी पैकिंग ही रहता है। सबके पैकिंग हो गई है, सारा सामान इधर आ चुका है। थोड़ा बहुत अभी अंदर है, मम्मी थोड़ी बहुत कर रहे हैं पैकिंग उनकी। और अभी चिकू और सब जने शॉप मंगल करके आ रहे हैं। हम सब जने जा रहे हैं फैमिली ट्रिप पर, शिबा दीदी, बीना दीदी, दोनों जिया जी, हम सब जने हमारे घर से। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको व्लॉग्स में। आपको आज फाइनली मैंने बता दिया है कि हम सब जने जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं वो नहीं बताऊँगी, वो आपको कल के व्लॉग में बताऊँगी। तो शिबा दीदी और बीना दीदी दोनों आ चुके हैं। शिबा दीदी बीना दीदी लगेज देख के ही घबरा गए। शिबा दीदी का भी गाड़ी में सेट तो हो गया है लगेज। हाँ नीला ही नीला बोला ना। मजा आ रहा है। आ जाएगा सामान तो ऊपर रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ही रखना पड़ेगा या फिर पैरों में न्यू भी रह जाएगा चिकू थोड़ा सा। गाड़ी में लगेज अच्छे से लोड हो रहा है सारा, इतना सारा लगेज हो गया सारा। सेट करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और यहाँ पे चिकू पीछे पीछे और लगेज लेके आई रहे, लगेज खत्म ही नहीं हो रहा है यार। क्या करें, फुल फैमिली ट्रिप जा रहे हैं इसलिए फुल लगेज है, फिर कुछ भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए ना। सब जने फुल एनर्जी से बैठे हुए हैं, जब उतरेंगे तब सबकी एनर्जी लो होगी। बोलो केसरिया लाल की जय, मात की जय। हम सब जने निकल चुके हैं और अभी हमने हाईवे पकड़ लिया है। हाथ में पकड़ लिया, हाय कर दो पीछे भी सब जने, हाय कर दो। हे ब्रो, हे ब्रो, हेलो फ्रेंड्स। और सतीश जी है, शर्म आ रही है, हाय कर बड़ी बोला रोमा से शर्म आती है। रोमा घूंघटने काढे बोलते हैं, 4 दिन माफ है, 4 फर्स्ट ब्रेक हमारा हो चुका है। हम सब जने यहाँ पर खाना खाने के लिए रुके हैं। हाँ जी आपको भी करें। तो सब जने यहाँ पर डिनर करने के लिए रुके हैं आशीर्वाद होटल। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज गई है। तो सब जन अभी यहीं बैठ के खा लेंगे। ले रोमा सब्जी ले ले, पकड़ बटर वाली। तो ये विदाउट ग्रीन चिली वाली पनीर भुर्जी की सब्जी आ गई है, विदाउट बटर। बच्चों मुझे भी दे दो भैया, दे दो बिना बटर। हाँ, सोच रही है कि मैंने बटर वाली खा ली, पोटियों में खाना बड़ा ही टेस्टी टेस्टी दिख रहा है। बटर वाली देना, अच्छा ही होगा, टाइम भी लगेगा। सब ने खाना खा लिया है, वापस से हम हमारी गाड़ी में बैठ रहे हैं पोटले बढ़ते हुए से। थैंक यू। अच्छा बाजू का मेरे को सब सेटिंग करने दो पीछे, एक बार सेटिंग करने दो। ये लिया है, ये मामी ये बार चाहिए, अब एक बार है ना। अरे हटा, इधर हो जाओ। मैं सही। सब जने वापस से गाड़ी में सेट हो गए और यहीं पर मैं कर देती हूँ ब्लॉग का एंड। अगर आज का ब्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अब मिलते हैं हम कल सुबह। बाय।